चीन को झटका देने वाली आज की यह बहुत बड़ी खबर है। फिलीपींस में तैनात होने वाली है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में इसका शुमार होता है ब्रह्मोस का। फिलीपींस में ब्रह्मोस रेजिमेंट तैयार कर रहा है भारत। फिलीपींस में ब्रह्मोस रेजिमेंट तैयार किया जा रहा है भारत की तरफ से, और ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा साउंड करने वाली खबर। हिंदुस्तान की ताकत में और उसकी स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन में ये इजाफे की खबर। दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में इसकी गिनती। आप जानते हैं कि ये मैक 5 से लेकर मैक 25, मतलब आवाज की गति से 5 गुने से लेकर 25 गुने तक जो मिसाइलें प्रहार करती हैं तेजी से पहुंचकर, उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और इन हाइपरसोनिक मिसाइलों में ब्रह्मोस एक कमाल की मिसाइल, उसकी तैनाती फिलीपींस में। फिलीपींस और भारत के बीच $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील हुई थी। और अब जरा इसके कुछ और पहलू, कुछ और आयाम मैं आपको दिखाता हूं। सुपरसोनिक ब्रह्मोस की ताकत के संदर्भ में कुछ और बातें आपसे करता हूं। 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को चुटकियों में तबाह करने की ताकत, तीनों सेनाओं के लिए कारगर अपनी तरह की पहली मिसाइल, कम ऊंचाई पर तेज उड़ान, रडार से बच निकलने में सक्षम ये मिसाइल, 9800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जल थल और नब कहीं से भी फायर की जा सकती है ये, और इसीलिए ये कमाल की मिसाइल। और अब चीन की धड़कनें कुछ और तेज होंगी। फाइटर जेट और जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है, वॉरशिप और पनडुब्बी से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। और सुपरसोनिक ब्रह्मोस अब फिलीपींस में जाकर जब तैनात होने वाली है तो ये एक तरीके से चीन की गर्दन तक पहुंच जाने का मसला है हिंदुस्तान के। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।